आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और स्वागत है आपका प्राइम टीवी की खास खबरों में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बुलंदशहर और मथुरा के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, अब जनता चुनाव में उन्हें हार की डोज लगाएगी। तो चलिए सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। यूपी विधानसभा 2022 का चुनावी शंखनाद बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुके हैं और पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा और बुलंदशहर के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था, कोरोना से बचाव के लिए जो भी हो सकता था बीजेपी की सरकार ने किया, और जो लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे उनके मुंह पर जनता ने वैक्सीन की डोज लगवा कर जोरदार तमाचा मारा है और अब चुनाव में विरोधियों को हार की डोज लगवानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों के हिंदुओं व राम भक्तों के खून से सनी हुई है। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहाता उनके खून से रंगाई बिरंगी हुई टोपी है, वो राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे, कभी नहीं, संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं, हम लोग संकट में भी थे। तो वहीं वैक्सीन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अतरौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये बीजेपी का टीका है और हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में खुद भी टीका लगवा लिया। तो उधर बीजेपी ने अपने 17 और उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि जिसमें बीजेपी ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से योगी सरकार में विधायक और मंत्री रही स्वाति सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह ईडी से वीआरएस लेकर आए अफसर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। स्वाति सिंह ने टिकट कटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जी हां, सपा और भाजपा के बीच इस बार यूपी में कांटे की टक्कर है और ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। 22 का रण भीषण हो चला है। सभी राजनीतिक दल पश्चिम यूपी के जिलों को मथने में जुटी हैं। जहां एक ओर सत्ताधारी भाजपा पश्चिम यूपी में अपना डेरा जमाए बैठी है, तो वहीं सपा रालोद भी लगातार जनसभाओं के जरिए भाजपा को घेरने के काम में लगी है। वहीं अब चुनावी मैदान में बसपा भी खुलकर सामने आ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा से चुनावी शंखनाद किया और विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। देखिए प्राइम टीवी की यह रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसकी शुरुआत पश्चिम यूपी के जिलों से 10 फरवरी को होगी। ताज नगरी आगरा की बात करें तो पहले चरण में यहां पर भी मतदान होना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती, जो अभी तक 22 के रण से दूर दिख रही थी, वो अब पहली बार चुनावी मैदान में खुलकर सामने आई है और आगरा में रैली कर प्रचार अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर मायावती ने जमकर हमला बोला। इस दौरान मायावती कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी। आगरा की रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपात रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवाद और पूंजीवाद की पार्टी है, धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है, पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। मायावती ने महंगे पेट्रोल डीजल का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी राज से बचाना है। भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित रहा है। चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बढ़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। रैली के दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज होता है, सपा ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा उनके समय में भी हुआ था, सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई तो सपा सरकार ने एक काम ये किया सबसे पहले सत्ता में आते ही कि हमारी पार्टी की सरकार ने जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए तो उनको आदर सम्मान देने के मकसद से, उद्देश्य से हमारी पार्टी की सरकार ने जिन नए जिलों के नाम इनके नाम से रखे, नई योजनाओं के नाम इनके नाम से रखे तो उनको बदल दिया। और इतना ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया, ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं
उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा ना मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। मायावती ने रैली में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सिर्फ केंद्र के सत्ता से ही बेदखल नहीं हुई बल्कि यूपी से भी बहुत पहले बाहर हो चुकी है। वो लोग दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो तब जबकि वो इसके लायक थे। उन्होंने कहा कि काशीराम के देहांत पर उनके सम्मान में कांग्रेस ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था। आगरा की रैली से चुनावी मैदान में उतर चुकी मायावती ने जनता से समर्थन की अपील की। हालांकि वहीं दूसरी ओर भाजपा भी लगातार आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर में जनता के बीच चुनावी प्रचार कर रही है, तो अखिलेश और जयंत भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि बसपा प्रमुख की अपील कितनी कारगर साबित होगी। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में सभी सियासी दलों की दौड़ तेज हो चुकी है। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने दलों के कामों के कसीदे पढ़ रहे हैं, पर इन सबके बीच जुबानी जंग इतनी तेज हो चुकी है कि नेताओं के बयान अब अमर्यादित हो चुके हैं। सत्ताधारी भाजपा से लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता इस वक्त विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। मौसम सर्द है पर सियासी तापमान काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। जहां एक तरफ इस सियासी तापमान में तपकर कुछ नेता अपनी सियासी पारी को निखार रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके बयानों पर सियासी तापमान के बढ़ने का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कुछ नेता अपने बयानों में विरोधी दल पर निशाना साधते साधते शब्दों की मर्यादा को ही इस कदर भूल चुके हैं कि मालूम होता है कि ये बयान किसी लोकतांत्रिक चुनाव के लिए नहीं बल्कि आपस में मारपीट के मकसद से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो इस वक्त सीएम योगी का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जहां वो विरोधियों की गर्मी शांत करने की बात कह रहे हैं। दरअसल हापुड़ में 30 जनवरी को आयोजित एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, ये सब शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी शिमला बना देता हूँ। असल में उनका इशारा नाहिद हसन की तरफ था। सीएम योगी के इस बयान पर जमकर बवाल भी हुआ।
क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। सीएम के इस बयान के बाद सियासी घमासान होना तो तय था, तो बस जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। लेकिन इन सबके बीच आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने ऐसा कुछ कह डाला जो काफी अमर्यादित था। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक सभा में कहा, योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो शीतलहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इनको ठंड लग गई है। ऐसे भर भर के वोट दो और ईवीएम मशीन को ऐसा भर दो और ऐसा बटन दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की वो चर्बी उतार दो। के इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद से सियासी हलचले और तेज हो गई। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जयंत के इस बयान की निंदा करते दिखाई दिए। पर विवादित बयानबाजी का सिलसिला यही नहीं थमा, तमाम और नेता पहले से ही इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा कर बैठे हैं। हाल ही में मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी का एक बयान सामने आया था। इसमें वह बंद कमरे में कुछ लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है और उसके बाद हर किसी से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे झूठ करते होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में जो राजकीय इंटर कॉलेज है ये हमारी सरकार में बना था। वहीं इस वीडियो के सामने आने से सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। मेरठ पुलिस फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि करवा रही है, लेकिन इससे पहले आदिल चौधरी की सफाई भी सामने आ गई। आदिल का कहना है कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि उनका आशय केवल इतना था कि जनता बीजेपी से बदला लेगी क्योंकि उसने कोई विकास कार्य नहीं किया है। विवादित बयान के मामले में मेरठ से आदिल चौधरी ही अकेले नहीं है, बल्कि मेरठ शहर सीट से सपा के ही एक और प्रत्याशी रफीक अंसारी अपने विवादित बोल से चर्चाओं में है। दरअसल रफीक अंसारी पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। रफीक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 सालों में बहुत हिंदू गर्दी मचाई है, हर थाने में सिर्फ हिंदू गर्दी मचाई गई है। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है। विवादित बयानों की सूची की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा ही इस लिस्ट में है, बल्कि सत्तासीन भाजपा के प्रत्याशी इस लिस्ट में भला पीछे कैसे छूट जाते। तो बस इस जुबानी जंग में कानपुर के बाहुबली विधायक महेश त्रिवेदी का भी नाम सामने आया है। एक चुनावी बैठक में वह अपने समर्थकों को कहते सुनाई दिए कि लोग ताकत का दुरुपयोग करते हैं, उनको लाठी डंडो और चप्पलों से मारो, बस गोली मत मारना, बाकी मैं देख लूंगा, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना, और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे, मतलब किसी का भी दबाव।
बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का यह अकेला बयान नहीं है जो सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी विधायक के तेवर काफी ज्यादा तीखे होते दिखाई दिए, जहां पर एक जनसभा में महेश त्रिवेदी ये भी कह रहे थे कि अगर वोट देना है तो दो, वरना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दरवाजे दरवाजे सोचो कि मैं घूमे तो ये असंभव है, आप वोट करो चाहे मैं करूं। बहरहाल इन बयानों ने सियासी तापमान तो बढ़ाया ही है, पर अब महेश त्रिवेदी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो बीते 5 सालों में छुट्टा जानवरों की चर्चा भी खूब हुई है। अब भला चुनावी भाषणों में इसका जिक्र न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हरदोई में सपा के जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित हुई। इसमें सपा MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी नेताओं की अगर पत्नी होती तो उन्हें चिमटा लेकर दौड़ाती। उन्होंने कहा जो घर नहीं चला सकता, परिवार नहीं चला सकता, वो सरकार नहीं चला सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि होशियार रहना, जिस तरह से लहलहाती फसल सांड चर जा रहा है उसी तरह सपा की लहलहाती फसल देखकर बीजेपी के सांड रूप के कुछ नेता मोहल्ले में घुसकर अफवाह फैला देंगे। अफवाह फैला देगी, इसलिए भूत कमेटी अच्छी करो, अब मोहल्ले में अफवाह नहीं करो, फसल लहला रही समाजवादी की, नहीं तो ये जैसे सांड चर के खेत चले जा रहे हैं, जब लहलाने लगती फसल लगता है कि बाप दादी ने बोई थी और चल के चले जा रहे हैं, तो कुछ बीजेपी के सारूपी नेताओं से भी बचो, मोहल्लों में घुस जाएंगे और पता नहीं कौन सी अफवाह फैला देंगे, इसलिए इनसे भी बचना है। और जैसे नहीं अफवाह फैलाती कब की जाए और क्यों चले वाली, अरे हम लोग सफाई देते हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से सब बोल रहे, तो इसलिए ये महा झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। राज्यपाल कश्यप के इस बयान के बाद से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। खुद राज्यपाल कश्यप भी अपने इस बयान पर सफाई पेश करते दिखाई दिए, पर शायद राज्यपाल कश्यप ये भूल गए थे कि ये जमाना अब सोशल मीडिया का है, गलत बयानबाजी अब बेहद तेजी से वायरल हो जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले नेता की, जहाँ कुछ दिन पहले सपा में शामिल हुए मुखिया गुज्जर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वह 16 बार जेल जाने की बात कह रही है। वीडियो में कहते सुने जा रहे हैं कि मैंने राजनीति में वर्कशॉप खोल रखी है, मौजूदा विधायक जैसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग करने का मेरे पास हुनर है। जो विधायक हैं, इसने जितना भ्रष्टाचार किया है इससे सारा हिसाब चुकता करके इससे सारा माल लौटा कर तुम्हारे घरों में पहुँचा दूंगा, मुझे इस बात के लिए जाना जाता है, 16 बार जेल काट रखी है मैंने, ये मुझ पर मुकदमा करेंगे। मैं राजनीति में भरू भाई, मैं वर्कशॉप खोल रखी है, ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मुझे भाई, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचा दूंगा, इस बात के लिए जाना चाहता हूँ। अरे ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी, 16 बार जेल काट रखी है मेरे पे, मुकदमा लगाएंगे। अमरोहा के हसनपुर से सपा प्रत्याशी मुखिया गुज्जर के विवादित बयान के बाद उन पर मामला दर्ज किया गया है। SP अमरोहा के आदेश पर हसनपुर कोतवाली पुलिस ने हसनपुर के प्रत्याशी मुखिया गुज्जर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहरहाल जिस तरह से यह बयानबाजी सियासी माहौल को खराब कर रही है उससे इन प्रत्याशियों की मानसिकता तो साफ तौर पर उजागर होती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ये बात समझनी होगी कि अब जनता इस तरह की बयानबाजी से नेताओं की वाहवाही नहीं करती, ऐसे बयान चुनाव में जीत नहीं बल्कि अराजकता फैलाते हैं, इसलिए जरूरी है कि सभी नेता अपने पद की गरिमा को समझें और आने वाले चुनाव में अच्छे माहौल में मुकाबला करें। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। सत्ताधारी दल भाजपा हो या विपक्षी दल कांग्रेस के बीच ही देवभूमि में मुकाबला समझा जा रहा है। जहां एक ओर भाजपा 2017 का प्रचंड बहुमत पहाड़ों में दोहराना चाहती है, तो वही कांग्रेस इस बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंची और बड़ी चुनावी घोषणा की। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सत्तर सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, लेकिन सूबे के सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी, बसपा और कई छोटे दल किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तराखंड चुनाव सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यहां हर 5 साल पर सत्ता बदलने की रिवायत 2 दशक से चली आ रही है। वहीं कांग्रेस लगातार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो सके। और इसी क्रम में प्रियंका गांधी देहरादून पहुंची और उत्तराखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम का उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 44,000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्य में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं होंगे। हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1,000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा, तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं को के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। वहीं प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा और वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में हर वादे को तोड़ा है। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी के राज में किसान, नौजवान और दलित सभी परेशान हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया। प्रियंका गांधी बोली, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि बीजेपी का ही इंजन ठप हो गया है। प्रियंका ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। हेलीकॉप्टरों की कीमत पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? 2 हेलीकॉप्टर। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी।
सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है, 14,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस इस बार बीजेपी के रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए है। अब ये देखना है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को 22 के रण में मात दे पाएगी, क्या उत्तराखंड में 2 दशक से सत्ता परिवर्तन का चला आ रहा रिवाज फिर से चलेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये रही कुछ चुनावी खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।